ये इलाका मरमत के जो ब्रंगा इलाका पड़ता है ये वहाँ का है, और आपने देखा होगा कि हमने इस ग्राउंड की पहले भी हमने दिखाई थी, उस टाइम वहाँ पर काम लगा हुआ था, लेकिन आज मैक्सिमम जो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ग्राउंड एक बहुत अच्छा बनेगा। लोगों का ये भी कहना है, हमने भी ये बताया था कि ये सब डैम जो है तहसीलदार मरमत श्री जाहिर राणा साहब की है, और लोग उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं कि हमने फर्स्ट टाइम ऐसा कदम की से जब पीछे कोई आता है तो वहाँ से और जो अपर भी होता है यानी कि एंड तक लोग जो आते हैं वहाँ तक कोई भी खेलने की जगह नहीं थी, और लोग जो है जब टूर्नामेंट होता था वो किसी के खेत में पुराते थे, लेकिन अब जो कदम ये यहाँ पर ग्राउंड बन रहा है ये सब तहसीलदार जहराना साहब की। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं व्यूअर न्यूज़ के साथ, मैं हूँ आपका मेज़बान शहीद फील। अभी मैं मौजूद हूँ इलाका मरमत के द्रंगा इलाके में, और जहाँ पर जो है ग्राउंड बन रहा है, जो तहसीलदार साहब ने यहाँ पर एक ग्राउंड बना रहे हैं। अपने इस चैनल पर पहले भी वीडियोस देखे होंगे कि हमने तहसीलदार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथ की थी और इस ग्राउंड के बारे में उन्होंने बताया था। आज मेरे साथ फिर से लोग जुड़े हैं, इस ग्राउंड में के बारे में क्या बताते हैं कि क्या कैसा बन रहा है, पहले लोग उसे ही जानेंगे और मजीद इस वीडियो को शेयर करें। आप अपना नाम बताएं पहले। जी मेरा नाम बशारत हुसैन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं का मुगोता का रहने वाला हूँ। आप ये बताइए, ग्राउंड कब से स्टार्ट हुआ है काम और कैसा बन रहा है और कैसा लग रहा है? ये हमें बड़ा खुशी की बात है, ये 3-4 हफ्ते से ज़ोरों शोर से काम चल रहा है। ये हमारे मरमत के तहसीलदार जनाब जहीर राणा सर की बहुत बड़ी एक हमें तोहफे में एक देन है, जो कि आज से पहले ना कोई इधर मिनिस्टर या कोई ऐसा कोई सियासी लीडर आया और ना आज आएगा जो इस एरिया में ऐसा कुछ सपाट बना सकता जो काबिल तारीफ है। तो हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं हमारे अपने तहसीलदार साहब का जिन्होंने ये कदम उठाया, बहुत बड़ा कदम है। इसको एक हाई लेवल से देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन हमारे लिए अच्छी चीज़ बन रही है। तो ज़्यादातर हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि तहसीलदार साहब ने हम पे एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है। पूरे रोड साइड एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पे हमारा मैच हो सकेंगे, स्पोर्ट्स के हर एक प्रोग्राम हो सकेंगे, सियासी लेवल से जो भी कोई जलसा जुलूस होगा कोई भी वो सारा कुछ हो सकता है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कह सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ यही कि तहसीलदार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये हमारे लिए एक बेहतरीन कदम उठाया। कब तक ख़त्म होगा ये, कितने टाइम लग सकता है? ये जिस हिसाब से इसका प्लान उठाया हुआ है तहसीलदार साहब ने, लगता है एक महीना जोर शोर से और ये काम चलेगा, बहुत बेहतरीन चीज़ बनेगी, कम से कम से एक महीना तक ये अभी काम चल सकता है। नाजिन हम दूसरे लोगों से भी बात करेंगे, इनका क्या कहना है। तो आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम है तारा चंद। आप कहाँ से, कहाँ रहते हैं? मैं रोड रहता हूँ। अच्छा, तो क्या आपका क्या कहना है इस ग्राउंड के बारे में? बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा सा काम किसी ने किया ही नहीं है आज तक, नहीं किसी लीडर ने किया है, नहीं किसी मुलाजिम ने किया है। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र हो गई है आज 67 साल हो रहा है। तो अपनी उम्र में नहीं देखा है? नहीं देखा है, नहीं देखा है आज, कुछ नहीं देखा है ऐसा ऐसा काम। तो ये तो बहुत बढ़िया था, बढ़िया बात है ना। हाँ, ये सब कुछ खेल तहसीलदार साहब की है। अच्छा। जी, बोलो अपना नाम। मेरा नाम गुलाम हुसैन सर। आप कहाँ से? मैं बिहोता से हूँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे ग्राउंड? बहुत अच्छी बात बन गई जनाब, यहाँ कोई रुकने के लिए जगह ना थी, यहाँ मार रुकने के लिए जगह नहीं थी, इंसान रुकने के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये तो काबिल तारीफ है कि हमारे तहसीलदार साहब ने बहुत हम पर रहम किया, ऐसा मुलाजिम आज तक देखा नहीं कोई, तो ना कुछ। मैं कहता हूँ कि बहुत इसके काबिल काम है कि जिसने ये अच्छा काम किया, हर कोई भी आए इस ग्राउंड में खड़ा रह सकता है, यहाँ रुकने के लिए जगह नहीं थी, ये तो बहुत काबिल तारीफ बात। हम ये अपील करते हैं कि जो ये स्टेप तहसीलदार साहब ने उठाया हमारे फायदे के लिए, तो पूरी मरम्मत की तरफ से ये एक गवर्नमेंट के पास अपील होगी कि हमारे तहसीलदार साहब को एक बेहतरीन अवार्ड से नवाजा जाए, क्योंकि यहाँ के हमारे इलाके के भी खासकर लीडर लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरे इलाके मरम्मत को इग्नोर किया हर तरफ से, तो तहसीलदार साहब ने ये हमारी एक हिसाब से लाज रखी जिन्होंने ये हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। तो किसी ना किसी सियासी हिसाब से ना कुछ, अपने लेवल पे अपने दम पे, तो मैं जनाब गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे तहसीलदार साहब को एक बेहतरीन अवार्ड से नवाजा जाए। शुक्रिया। तो
तो जी हाँ नाज़रीन, आपने सुन लिया लोगों का क्या कहना है। आप सबको दिखाने की कोशिश करेंगे कि काम जो है जोरों शोर से लगा हुआ है। ये इलाका मरमत के जो ब्रंगा इलाका पड़ता है, ये वहाँ का है। और आपने देखा होगा कि हमने इस ग्राउंड की पहले भी हमने दिखाई थी, उस टाइम वहाँ पर काम लगा हुआ था, लेकिन आज जो है मैक्सिमम जो है 50% जो है कंप्लीट हो गया है। आने वाले वक्त में आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ग्राउंड एक बहुत अच्छा बनेगा। लोगों का ये भी कहना है, हमने भी ये बताया था कि ये सब डैम जो है तहसीलदार मरमत श्री जाहिर राणा साहब की है, और लोग उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं कि हमने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कदम की मरमत में भी एक ग्राउंड बन रहा है। यानी कि मैं यूँ कहूँ कि ग्लैनी से जब पीछे कोई आता है तो वहाँ से और जो अपर भी होता है यानी कि एंड तक लोग जो आते हैं वहाँ तक कोई भी खेलने की जगह नहीं थी, और लोग जो है जब टूर्नामेंट होता था वो किसी के खेत में कराते थे। लेकिन अब जो कदम ये यहाँ पर ग्राउंड बन रहा है, ये सब तहसीलदार जहराना साहब की देन है। इसके साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।